नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक क्विक न्यूज है आप सभी के लिए कि गैलेक्सी नोट 7 की प्रोडक्शन रुक गई है। जी हाँ, रुक गई है। इसकी वजह यह है कि जो हमारा रिप्लेस्ड या सेव्ड सैमसंग गैलेक्सी नोट था, जिसकी बैटरी बिल्कुल सेफ थी, वो भी एक्सप्लोड हो चुका है और उसमें से शायद स्मोक की भी खबरें आ रही हैं। गुमनाम व्यक्ति जो सैमसंग में काम करता था उसने बताया है, हालांकि सैमसंग ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन हेड्स ऑफ रिस्पेक्ट है सैमसंग के लिए कि उन्होंने कस्टमर की सेफ्टी के लिए अपनी प्रोडक्शन नोट 7 की रोक दी गई है। बहुत सारे यूएस के जो कैरियर हैं उन्होंने नोट 7 को बेचना बंद कर दिया, फिलहाल उन पर रोक लगा दी गई है। और अगर यूज़र चाहें जिनके पास नोट 7 है तो वो अपना बिना पूछे वो रिप्लेस कर देंगे गैलेक्सी नोट 7 को किसी भी फ़ोन से। 2 महीने पहले काफ़ी सैमसंग की बदनामी हुई थी और लोग इसको डेथ नोट कहने लग गए थे। अब इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? जिन लोगों ने प्री ऑर्डर कर रखे हैं नोट 7, वो अगर चाहें तो रुक सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है, लेकिन ऐसी खबरें आना बहुत ही दर्दनाक हैं। और जो लोग चाहते हैं इसको लेना, वो थोड़ा सा रुक जाएं, देख लें कि कैसा है, मार्केट को जरा थोड़ा सा जज कर लें, फिर उसके बाद ही लें। क्योंकि नोट 7 को बैड पब्लिसिटी मिली है, तो हमारे जो आईफोन 7 है जो न्यूली लॉन्च है, और पिक्सल और जो न्यूली लॉन्च है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है उनकी सेल में। अगर जो एंड्रॉयड का फैन बॉय है वो पक्का पिक्सल के पास जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी 7 एज भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, वो बहुत ही अच्छा फ़ोन है, तो आप जाके ले सकते हैं। नोट मेरा पर्सनली फेवरेट है। सैमसंग ने कंज्यूमर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ की है कि उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया और वो सारे के सारे सिक्योरिटी मेजर्स लेंगे, स्टेप्स लेंगे। सैमसंग पहले भी वापस आया और अब भी मुझे लगता है कि ज़रूर से वापस आएगा और कंज्यूमर के हक में कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लेगा।